ये दोस्तों आप सभी के दिल से अगर बात करेंगे जबर स्टॉक के बारे में, बिल्कुल ही अच्छा खासा मोमेंटम मतलब दिख रहा है स्टॉक में और आपको कहूँगा इसका आप फायदा उठा सकते हैं। अपन स्टॉक के प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही कम है, लगभग बात करें 100 रुपये से भी कम प्राइस में स्टॉक मिलता नजर आ रहा है। रिटेल निवेशक इसको बहुत ही पसंद करते हैं और स्टॉक भी अच्छा खासा मोमेंटम और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी देखेंगे तो अच्छा खासा बिजनेस वर्क करते हुए नजर आ रहा है। कंपनी के कुछ सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रही है, यहाँ पर मंथली बात करें तो कंपनी के यहाँ पर सेल्स में ग्रो होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल ही आपको कुछ नंबर भी दिखाने की कोशिश करूंगा और कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया था कि कंपनी बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्म करने के यहाँ पर संकेत देते हुए नजर आ रही है। कुछ यहाँ पर टारगेट के बारे में बात करेंगे और मुझे लगता है कि टारगेट का आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड पहले मार्केट कैप के बारे में और बाद में देख लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। मैं बात कर रहा हूँ देखिए अशोक लेलैंड के बारे में। कंपनी देखेंगे तो ऑटो सेक्टर से जुड़ी है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस वर्ल्ड वाइड एरिया में चलता भी है और आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। आप यहाँ पर देखिए इंडिया में कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में बात करें तो ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आती है, सेकंड नंबर पर आती है। बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा बिजनेस मार्केट कैप भी है इस कंपनी का। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग बात करें मार्केट कैप की इसकी कंपनी की तो लगभग 22,470 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप नज़र आता है। कंपनी पर कर्जे की बात करें तो यहाँ पर 3,200 करोड़ का कंपनी का कर्जा नजर आ रहा है। आपको कहूँगा कि कर्जा उतना कुछ यहाँ पर ज़्यादातर कंपनी पर नहीं लगता है बिल्कुल ही, क्योंकि कंपनी कर्जा कम करने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पर कर्जा लेना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बिजनेस में जो सेल्स एक्चुअल जितनी सेल्स बढ़नी चाहिए, नॉर्मल जितना मार्केट में बिजनेस चलता है उतना अभी भी नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर हम आप उसका इम्पैक्ट देख भी सकते हैं। लगभग बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर भी दिख जाएगा और साथ साथ बात करें सेल्स पर भी दिख जाएगा आपको बिल्कुल ही इम्पैक्ट होते हुए यहाँ पर लॉकडाउन का, जो यहाँ पर कोविड का भी। तो देखिए बात करें इस कंपनी के सेल्स के बारे में, देखिए माइनस दिख रही है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए तो 51% अच्छा खासा प्रमोटर के पास स्टेक नजर आ रहा है इस कंपनी का। आपको कहूँगा कि ये डिविडेंड देती है, बोनस देती है, सभी बातों में नंबर वन है। और यहाँ पर कुछ इसके प्रोडक्ट भी देखना चाहेंगे तो आपको बताना चाहूँगा कंपनी यहाँ पर ट्रक्स बनाती है, अलग अलग कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, बसेस बनाती है और अलग अलग इंडिया के जो स्टेट होते हैं जैसे गुजरात की बात करें उनको यहाँ पर पिछले कुछ यहाँ पर लगभग बात करें इलेक्ट्रिक बसों का कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। आप यहाँ पर कुछ आर्टिकल पढ़ते रहेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मैं आपको कहूँगा कि स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, खाली उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालते जाइए आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और कंपनी बिजनेस एक्सपांड करते हुए नजर आती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन जो आर्मी है उनमें जितने ट्रक जितने बड़े बड़े यहाँ पर व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल जो यूज़ होते हैं अशोक लेलैंड अच्छा खासा वेटेज रखती है और वह प्रोवाइड भी करती हुई नजर आती है। बिल्कुल ही कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे लगता है ग्रोथेबल है और आगे जाके ग्रोथ भी करेगा। और मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा कि मैं भी इसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी थोड़ी बहुत क्वांटिटी क्यों ना खरीदने की कोशिश करूँगा बिल्कुल ही, और पहले से मैं बहुत ही कम दाम से खरीद कर रखा हूँ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि देखिए पहले स्टॉक बहुत ही पहले गिर चुका था, तभी मैंने बहुत बार बता दिया था कि स्टॉक को खरीद सकते हैं। जिसने नहीं खरीदा हो अभी भी सोच सकते हैं जिन्हें यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आ जाते हैं कमर्शियल बात कर, देखिए आपको यहाँ पर ऑटो सेक्टर कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा जो कंपनी के जो नंबर्स आते हैं। आपको बार बार कहता हूँ मंथली बेसिस पर कंपनी के जो यहाँ पर व्हीकल बेचे जाते हैं ऑटो सेक्टर की कंपनियों के नंबर्स आते हैं, अशोक लेलैंड हो, टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो या स्कोड हो, अलग अलग यहाँ पर कंपनियों के नंबर्स आते हैं। मैंने पहले ही आपको वीडियो अपलोड कर दिया था, बता दिया कि कंपनी के नंबर आ चुके थे। यहाँ पर देख लीजिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर अशोक लेलैंड के बारे में बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बात भी की है अशोक लेलैंड के बारे में, उनके भी यहाँ पर प्राइस में इंप्रूवमेंट हो रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है कंपनी के यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोडक्ट बेचते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है कंपनी। और यहाँ पर आप देखिए बोनस भी देती है, डिविडेंड देती है, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और आप यहाँ पर देखेंगे छोटा स्टॉक होने के बाद भी कंपनी कुछ ना कुछ यहाँ पर डिविडेंड देती ज़रूर है। यहाँ पर हम बात करें प्राइस के रिलेटेड तो लगभग बात करें 76 रुपये पर शेयर चलता नजर आ रहा है। और आप बोलेंगे आपने सर पहले कहा था 40 रुपये के करीब चल रहा है स्टॉक यहाँ पर, तो बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा इसकी जो रेंज देखेंगे तो जैसा ही आप देखेंगे मार्केट में उभरते हुए यहाँ पर मार्च से रिलेटेड मार्च से देखेंगे तो अगस्त की बात करें तो स्टॉक यहाँ पर 50 रुपये के अंदर ही चलता नजर आ था। तब किसी ने इस पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बार बार कर रहा था भी, बट लोग यहाँ पर वीडियो देखते नहीं, लोगों को लगता है कि स्टॉक क्या भागेगा या अभी तो बहुत ही सस्ता है और भी सस्ता होगा। आप यहाँ पर आपको बार बार कहता हूँ जब आपको सुटेबल प्राइस लगे उस पर खरीदने की कोशिश करना। आप यहाँ पर कभी भी कहेंगे कि और गिरेगा तो यहीं पर इसे आपका यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर लॉस में आप चले गए, क्योंकि स्टॉक अच्छा होने के बाद उसको यहाँ पर जो आपको लेवल अच्छा लगे तभी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा खासा मोमेंटम बना ही देगा और आपको उसका बिजनेस मॉडल पसंद आए तो कंपनी बिल्कुल ग्रो करेगी। यहाँ पर देखिए लगभग बात करें इसने 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है, लगभग बात करें तो 74% का रिटर्न दिया है। कितना 74% का, लोगों के पैसे कितने जबरदस्त बन चुके हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 महीने में लगभग 32 रुपये पर शेयर पर। तो यहाँ पर स्टॉक उतना कुछ महंगा भी नहीं था तो लोगों ने यहाँ पर लाख रुपये भी लगा दिए होंगे तो उनको पूछ लेना कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। और आपको कहूँगा मैं भी बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी में, आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा चलते हुए नजर आ जाएगा बिल्कुल ही। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मोमेंटम बना जैसा है स्टॉक, यहाँ पर इसके 5 साल की बात करें
यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल ही गिरावट का माहौल है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट करना, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत ही अमाउंट लगानी चाहिए। ऐसे स्टॉक जो होते हैं, देखिए ऑटो सेक्टर अभी भी कुछ उभरने के लिए बहुत वक्त लेगा, इसलिए जिन्हें यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना है वो सोच सकते हैं स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 150 रुपये के ऊपर चलने वाला स्टॉक है और अभी भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। अगेन थैंक यू।